क्या सर्दियों के मौसम में डैंड्रफ आपको भी परेशान करता है? तो ट्राई दीज नेचुरल रेमेडीज। आइए शुरू करते हैं। वाटर। दोस्तों बचपन से ही हम लोग अपनी दादी नानी से सुनते आ रहे हैं कि नीम के कितने सारे फायदे होते हैं। तो आइए देखते हैं नीम हमारा डैंड्रफ कैसे दूर कर सकता है। मैंने यहाँ एक बोल भर के नीम की पत्तियाँ लेके अच्छे से धो के साफ करके उसमें 2 कप पानी डाल के बहुत अच्छे से बॉईल कर लिया है और ठंडा होने के लिए रख दिया है। और जब ये ठंडा हो गया तो मैंने इसको एक छन्नी की हेल्प से छान लिया और ये हमारा नीम वाटर रेडी है। इस नीम वाटर को हम एक स्प्रे बॉटल में रख लेंगे। दोस्तों हेयर वॉश करने के बाद जब आपके बाल गीले होते हैं उस वक्त इस नीम वाटर का स्प्रे अपने स्कैल्प पर करें और अपनी उंगलियों से हल्का हल्का सा मसाज करें, डैंड्रफ जड़ से भागेगा। दूसरा है मेथी दानों का हेयर टोनर। इसको बनाने में तो कुछ भी नहीं करना आपको, रात में मेथी के दानों को भिगो दीजिए और सुबह इसका पानी कुछ इस कलर का हो जाएगा। स्प्रे बॉटल में डाल के यूज करिए, 1-2 घंटे के बाद बाल वॉश कर लीजिए। तीसरा है मेथी प्लस एलोवेरा का हेयर मास्क, जो आपके डैंड्रफ को दूर करेगा। यहाँ मैंने रात के भीगे मेथी दानों को पीस लिया है, साथ में हमें चाहिए एलोवेरा जेल और बादाम का तेल। आइए बनाना शुरू करते हैं। तो पहले हम लेंगे 2 चम्मच भर के एलोवेरा जेल, उसमें हम डालेंगे 1 चम्मच मेथी दानों का पेस्ट। दोस्तों मैं यहाँ कम बना रही हूँ, अगर आपको और बनाना हो तो इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच बादाम का तेल और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये मास्क रेडी है। इसे अपने स्कैल्प पर लगाएं, 1 घंटे बाद हेयर वॉश कर लें। ये थोड़ा चिपचिपा सा होता है इसलिए शैम्पू से अच्छे से वॉश करिएगा। चौथा है मेथी प्लस अदरक का मास्क। इसके लिए आपको चाहिए है अदरक का रस। अदरक के टुकड़े को घिस के या पीस के उसका जूस इस तरह से छन्नी से छान लें। अब हमें 1 छोटा चम्मच अदरक का जूस मिल गया है, इसमें हम 2 बड़े चम्मच मेथी दानों का पिसा हुआ पेस्ट डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके एक थिक पेस्ट तैयार कर लेंगे। अगर ये आपको ज़्यादा थिक लगे तो आप इसमें अपना वो मेथी दानों वाला टोनर थोड़ा सा मिक्स कर सकते हैं ताकि ये स्मूथ पेस्ट बन जाए और लगाने में आसानी हो। पहले अपने बालों को उस मेथी टोनर के स्प्रे से हल्का नम कर लीजिएगा, फिर इस मास्क को अपने स्कैल्प पर अच्छे से लगा लीजिएगा और 1 घंटे के बाद बालों में बहुत अच्छे से शैम्पू लगा के बालों को धो लीजिएगा। दोस्तों ये थोड़ा स्टिकी होता है, शायद एक बार के शैम्पू में ना जाए, तो आप 2 बार भी शैम्पू कर सकते हैं और फिर अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। ये आपका डैंड्रफ दूर करेगा और आपके बालों को थिक बनाएगा।